रक्षाबंधन के दिन इस बार 15 घंटे रहेगा राखी बांधने का शुभ मुहूर्त। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सनातन हिंदू धर्म में रक्षाबंधन के त्यौहार का बहुत ही अधिक महत्व माना जाता है। इस त्यौहार का इंतजार सभी भाई बहन बहुत बेसब्री से करते हैं। ये पर्व खास तौर से सभी भाई बहनों और उनके रिश्तों को समर्पित है। इस दिन बहनें अपने भाई के हाथ में रक्षा सूत्र बांधती है। इसके साथ ही वो अपने भाई की अच्छी सेहत और लंबी आयु की कामना करती है। वहीं भाई अपनी बहन को उसकी रक्षा का वचन देता है। इस साल रक्षाबंधन पर काफी लंबा महामुहूर्त मिला है। इस बार रक्षाबंधन का विशेष संयोग ये बन रहा है कि 15 अगस्त को रक्षाबंधन मनाया जाएगा। लंबे अरसे के बाद श्रावण माह में 15 अगस्त को रक्षाबंधन के प्रधान चंद्र नक्षत्र श्रवण में स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन का संयोग एक साथ बन रहा है। हर साल बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए शुभ मुहूर्त जानने के लिए उत्सुक रहती है। इस साल उन्हें यह जानकर खुशी होगी कि इस बार उन्हें राखी बांधने के लिए काफी लंबा महामुहूर्त मिलने वाला है। साल 2019 में रक्षाबंधन का जो मुहूर्त है वो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि यानी 15 अगस्त 2019 गुरुवार के दिन रक्षाबंधन का जो शुभ मुहूर्त प्रारंभ होगा वो सूर्योदय से प्रारंभ हो जाएगा। सुबह 6 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक लगातार रक्षाबंधन का मुहूर्त रहेगा। इस प्रकार लगभग 15 घंटों तक लगातार राखी बांधने का श्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा। 15 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन पूर्णिमा तिथि का जो प्रारंभ है वो एक दिन पहले यानी 14 अगस्त 2019 को दोपहर 1:46 से हो जाएगा, जो कि 15 अगस्त की शाम 6:02 तक पूर्णिमा तिथि रहेगी। और 14 अगस्त को भद्रा दिन में 3:49 से प्रारंभ होगी, जो कि देर रात 4:52 पर समाप्त हो जाएगी। इस कारण 15 अगस्त 2019 गुरुवार के दिन रक्षाबंधन का महापर्व मनाया जाएगा। उदिया तिथि के अनुसार उस दिन पूर्णिमा तिथि रहेगी और सूर्योदय के समय श्रवण नक्षत्र भी रहेगा और भद्रा भी उस दिन नहीं रहेगी। जब भी कोई शुभ कार्य किया जाता है तो उस कार्य की शुभता में वृद्धि प्राप्त करने के लिए शुभ समय में उस कार्य को संपन्न किया जाता है। इस बार राखी बांधने में न तो पंचक का व्यवधान उत्पन्न होगा, न ही भद्रा का होगा, न ही किसी और चीज का व्यवधान होगा, क्योंकि रक्षाबंधन के लिए जो है शुभ मुहूर्त इस बार सुबह से लेकर के देर रात तक लगातार मिल रहा है। इस बार 2019 में रक्षाबंधन का जो त्यौहार है 15 अगस्त 2019 गुरुवार को, उस दिन रक्षाबंधन का जो श्रेष्ठ मुहूर्त है वह सुबह 6 बजे से लेकर 7:30 तक रहेगा। उसके बाद 10:30 से लेकर 2:00 तक व शाम को 4:30 से लेकर 6 बजे तक एवं रात को 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक रक्षाबंधन का श्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा। इसके बाद रात्रि 9:31 से पंचक शुरू हो जाएंगे। इसलिए यदि आप रक्षाबंधन का शुभ कार्य करना चाहते हैं तो आपको सुबह 6 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक हमने जो आपको श्रेष्ठ मुहूर्त बताए हैं उनमें राखी बांधने का कार्य संपन्न करें और भाई बहन एक दूसरे की रक्षा का संकल्प अवश्य करें। साथ ही यदि आप चाहते हैं कि प्रकृति और पर्यावरण का भी इस दिन जो है विशेष संयोग होता है, चूंकि वर्षा ऋतु है, श्रावण का महीना है, इसलिए हमें प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा भी करना चाहिए, यानी पेड़ों की रक्षा का संकल्प भी हमको करना चाहिए। पेड़ों को भी रक्षाबंधन के दिन राखी जरूर बांधना चाहिए और संकल्प करना चाहिए कि हम वृक्षों की रक्षा करेंगे और पेड़ों को बचाएंगे, अधिक से अधिक वृक्ष और पेड़ हम लगाएंगे। इस प्रकार यदि आप करेंगे तो निश्चय ही भगवान लक्ष्मी नारायण की अद्भुत और दुर्लभ कृपा आपके ऊपर बरसने लगेगी। तो मित्रों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।